नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने कैपिटल गणित कक्षा 9 के लिए गणित की सहायक पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, एक हेल्प बुक है, कैपिटल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। और अगर आप प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फेमस ये बुक है, अगर हिंदी मीडियम बुक है तो आपके लिए ये सजेशन दी जाती है। आज इसी बुक का रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या खास है इस बात बुक में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो 328 नंबर ऑफ पेजेस आपको टोटल इसमें देखने को मिलते हैं। कैपिटल एंटरप्राइजेस की ये पेशकश है। अब बात करें हम इसके एमआरपी की, तो एमआरपी 170 रुपये, लगभग आपको 150 रुपये तक ये आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर कमीशन भी सेट होता है इसमें स्कूल का, तो उस स्थिति में 160+ की ही आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं विषय सूची की, क्या क्या इसके अंदर आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। कुल मिलाकर आपको इसमें 15 चैप्टर दिए गए हैं। 15 चैप्टर में ये चैप्टर के नाम है और ये इसके अंदर के टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम, ये इसके अंदर के टॉपिक। अब अगर ये टॉपिक पढ़ने लगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसको देखना आप ही के लिए थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे आप, तो मैं केवल आपको चैप्टर्स के नाम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय सूची में संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त, रचनाएं, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। अगर आप इसके अंदर के टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, मैं अपनी हर एक वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोड करता हूं। आप वीडियो की सेटिंग 4K पर कीजिए और जूम करके हर एक टॉपिक आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार इस पेज पर भी आप 4K क्वालिटी ऑन कीजिए और सारे टॉपिक आपको इजीली यहां पर दिखाई दे जाएंगे। चैप्टर क्लास में आपको परिशिष्ट 1 जिसमें गणितीय उपपत्तियां देखने को मिलती है, उसका परिशिष्ट 2 जिसमें गणितीय निर्देशन देखने को मिलता है, और लास्ट में आपको उत्तर और संकेत देखने को मिलता है। तो ये तो थी विषय सूची कि इस बुक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न की। आपको बता दें पूरी बुक कलर्ड बुक है, एक तरीके से दो तरह के रंग का प्रयोग किया गया है, एक तो केसरी रंग यहाँ पर यूज किया गया है और दूसरा आपको यहाँ पर ब्लैक कलर यूज किया गया है। चैप्टर 1 संख्या पद्धति, भूमिका, सबसे पहले भूमिका की बात करते हैं। शुरुआत में थ्योरी और फॉर्मूलाज दिए गए हैं, एनिमेटेड डायग्राम का प्रयोग किया गया है भरपूर मात्रा में, और चीजों को हिंदी भाषा में समझाया गया है। हिंदी भाषा सरल रूप में दी गई है, ऐसा नहीं है कि इन्हें इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट किया गया है, डायरेक्टली हिंदी में लिखी गई है ये बुक, तो इसलिए इसकी लैंग्वेज भी ईजी है। तो यहाँ पर चीजों को समझाया गया है, डायग्राम के द्वारा समझाने पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे कि छोटी कक्षाओं में बच्चे इजीली समझ सके। जैसे ही ये टॉपिक की थ्योरी शुरुआत की खत्म होती है तो कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण फिर उनके हल, उदाहरण फिर उनके हल, आगे चले फिर अगला उदाहरण फिर उसका हल। देखो हल 2 भी दे रखा है, ऐसा नहीं है आपको एक ही तरीके से कर सकते हैं, तो 2 विधियों से आप चीजों को हल कर सकते हैं, दोनों विधि इसके अंदर बताई गई है। इसका कुछ टिप्पणी दी गई है, कुछ नोट को टिप्पणी के रूप में बताया गया है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद आपके सामने प्रश्नावली आती है 1.1, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आपको कोई उत्तर नहीं देखने को मिलते, एक्सरसाइज के आंसर देखने के लिए आपको लास्ट में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सरसाइज खत्म होने पर, अपरिमेय संख्याएं, थ्योरी दी गई है पूरी, फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं, पाइथागोरस कौन थे उनके बारे में बताया गया है। इधर एक टिप्पणी दी गई है, टिप्पणी मतलब एक नोट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कैंटर कौन थे और आर डेडेकिंड कौन थे, उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो जो मेन मैथमेटिशियन है उनके बारे में उनका इंट्रो भी देते चले यहाँ पर है इसके अंदर। नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण 4, उदाहरण 5, इनके हल भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसका इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। सीधा सा पैटर्न है, पहले आपको पूरा एक टॉपिक के बारे में बताया जाता है, फिर उससे रिलेटेड उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्थिति कंडीशन, फिर नेक्स्ट उदाहरण देखने को आपको मिलते हैं। आगे चले तो फिर जो आर्किमिडीज थे, ये एक साइंटिस्ट थे, ये मैथमेटिशियन के काम भी करते थे, ये उदाहरण दिया गया यहाँ पे। फिर एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 आपको देखने को मिलती है, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके उदाहरण, उदाहरण के बाद आपको यहां पर
उसकी एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक्सरसाइज खत्म होने पर फिर नेक्स्ट आपको सारांश देखने को मिलता है। जब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो आपको एक समरी देखने को मिलेगी, पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने को मिलेगा। यानी आप जब रिविजन कर रहे हो उस दौरान आपको पूरे जो चैप्टर की थ्योरी नोट्स है ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ सारांश पढ़ के ही चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हैं सारांश के तुरंत बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो एक चैप्टर का सीधा सा पैटर्न है, सब पहले थ्योरीज है, फॉर्मूलाज है, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, बीच में कई टिप्पणी आते हैं, नोट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बतानी होती है वो दी गई है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी गई है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया, उसकी थ्योरी आ गई, फिर उसके एग्जाम्पल आ गए, फिर उसकी एक्सरसाइज आ गई। यही पैटर्न चैप्टर में यूज होता हुआ लास्ट में आपको चैप्टर की समरी मिलती है जहां से आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, और यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। अब जो एक्सरसाइज है उनके आंसर्स आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं यहां पर। इसके लिए आपको बार बार पेज पलटना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है। अगर चैप्टर के लास्ट में ही वहीं पर एक्सरसाइज के लास्ट में आपको आंसर आप आंसर दे दे तो शायद बार बार ये पेज पलटा पलटी में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज अच्छी बुक है, छोटी क्लासेस के लिए ठीक ठाक बुक है। अगर रेटेड पर रेटिंग की बात करूँ तो मैं उसको 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा, ठीक ठाक ही बुक है। अब ज्यादा ओसम नहीं बता सकते कि सेल्फ स्टडी से बच्चे से पढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टीचर की आवश्यकता है, टीचर की गाइडेंस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो 5 में से 3 रेटिंग इस बुक को मैंने दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार के बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।